वॉलिस सरकार ने देश में रूसी राजदूत को तलब किया है, ये दावा करते हुए कि रूसी निर्मित मिसाइल देश में गिर गई है जिससे दो नागरिकों की मौत हो गई। एक बयान में पोलिश विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता लुकाच जसीना ने इस घटना पर तत्काल विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की है। 15 नवंबर 2022 को रूसी संघ के सशस्त्र बलों द्वारा यूक्रेन के पूरे क्षेत्र और उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के ऊपर घंटे भर की भारी गोलाबारी की गई। रूस निर्मित एक मिसाइल के पोलिश गांव पर जो है गिरा दी गई। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि प्रेजवेडो जिला जो लेबिस की प्रांत और पोलैंड गणराज्य के दो नागरिकों की मौत हो गई, इसीलिए विदेश मामलों में मंत्री प्रोफेसर जबिनियो राव ने पोलिश एमएफएस में रूसी संघ के राजदूत को बुलाया और तत्काल और विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की। बता दें कि खेरसान से रूसी सेना की अपमानजनक वापसी और G20 सम्मेलन में बने चौतरफा दबाव के बीच रूस और हमलावर हो गया। बताया जा रहा है कि मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास पोलिश गांव प्रोजवेडो में गिरी है जिसकी चपेट में आने से दो की मौत हो गई। ये मिसाइल हमला उस समय हुआ जब मॉस्को ने यूक्रेन के सबसे पश्चिमी शहर लवीव पर बैराज मिसाइल लॉन्च की थी।